हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज जेंडर। व्हाट इज जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर और चेंज जेंडर। तो लेट्स रीड डेफिनेशन ऑफ जेंडर। व्हाट इज जेंडर, द फॉर्म ऑफ नाउन व्हिच टेल्स दैट वेदर ही एंड सी इज ए मेल और फीमेल इज कॉल्ड। अर्थात जेंडर एक ऐसा शब्द है जिससे स्त्री या मेल या फीमेल जाति का पता चलता है, उसे जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉर्स से पता चल रहा है कि ये मेल है। मेल से पता चल रहा है कि ये फीमेल है। नेक्स्ट डॉग वर्ड से पता चल रहा है कि ये मेल है। और विच वर्ड से भी पता चल रहा है कि एक फीमेल है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जेंडर, देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। फोर टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। लेट्स रीड अबाउट मैस्कुलिन जेंडर। डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड जेंडर। एग्जाम्पल हॉर्स, डॉग, अंकल, फादर, ग्रैंडफादर, इटीसी। नेक्स्ट जेंडर फेमिनाइन जेंडर, ए नाउन दैट डेनोट्स ए फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल मेयर, विच, मदर, आंट, गर्ल, इटीसी। नेक्स्ट अपना जो थर्ड जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। तो डेफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर, ए नाउन दैट डज नॉट रेफर टू मेल और फीमेल बट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल चाइल्ड में मेल और फीमेल, चाइल्ड वर्ड से पता चलता है कि चाइल्ड कॉमन जेंडर है और इसमें बॉयज भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। उसी प्रकार फ्रेंड वर्ड से पता चल रहा है ये कॉमन जेंडर है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर। तो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, ए नाउन विच रेफर टू लाइफलेस थिंग्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल टेबल, टेबल वर्ड से पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल ना तो न्यूट्रल जेंडर है, इसमें ना तो मेल है टेबल और ना फीमेल है। अब स्टूडेंट अब हम करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करना। जो मेन जेंडर है अपने मैस्कुलिन, और फेमिनाइन
सो मैं एग्जांपल दे रही हूँ मैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन के. फादर, फादर का फेमिनाइन में होगा मदर. नेक्स्ट मैस्कुलिन में अंकल, अंकल का फेमिनाइन वर्ड होगा आंट. नेक्स्ट बॉय, बॉय का फेमिनाइन वर्ड होगा गर्ल. नेक्स्ट डॉग, डॉग का फेमिनाइन वर्ड होगा विच. नेक्स्ट बुल, बुल बुल का मीन है बैल और इसका फेमिनाइन वर्ड होगा काउ. नेक्स्ट ही का मीन वह, मैस्कुलिन में मेल के लिए और सी का मीन भी होता है वह पर वर्ड फेमिनाइन में. नेक्स्ट हिज का यूज मेल के लिए होता है उसका, जिसका मीन होता है उसका, और हर का मीन होता है उसकी, जिसका यूज होता है फेमिनाइन जेंडर में. हजबैंड एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो बनेगा वाइफ. नेक्स्ट लॉयन, लॉयन एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा लॉयनेस. टाइगर, टाइगर मैस्कुलिन है, इसका फेमिनाइन वर्ड होगा टाइग्रेस. नेक्स्ट एक्टर, एक्टर मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन वर्ड होगा एक्ट्रेस. नेक्स्ट ब्रदर एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन होगा सिस्टर. नेक्स्ट पिकॉक, पिकॉक एक फेमिनाइन वर्ड है और इसका पिकॉक एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन वर्ड होगा पीहेन. नेक्स्ट कॉक, कॉक एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनाइन होगा हैन. नेक्स्ट प्रिंस एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा प्रिंसेज. नेक्स्ट सन एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका जो फेमिनाइन वर्ड होगा डॉटर. नेक्स्ट
हीरो, हीरो एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा हीरोइन। हीरोइन। नेक्स्ट ही, सॉरी मेल, मेल, मेल मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा फीमेल। नेक्स्ट मैन, मैन एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसका होगा वुमन। नेक्स्ट लेडी, सॉरी जेंटलमैन, जेंटलमैन एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा लेडी। नेक्स्ट मिल्कमैन, मिल्कमैन एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा मिल्कमैड। नेक्स्ट वॉशरमैन, वॉशरमैन का फेमिनाइन जेंडर होगा वॉशरवुमेन। नेक्स्ट किंग, किंग, किंग एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनाइन होगा क्वीन। नेक्स्ट है हेड, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा रॉय। नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा नेश। ओके स्टूडेंट्स, जो जेंडर मैंने चेंज करना बताया मैस्कुलिन से फेमिनाइन में, वो आपको लर्न करना है साथ में ही डू इन नोटबुक एंड सॉल्व एक्सरसाइज। ओके अंडरस्टैंड, थैंक्स।